हेलो बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 2B कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का। और ये मजेदार होगा क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन हैं, 1 से लेके कहां तक? 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 3 का 1 टू 10 ऐसा देखने जा रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ज्यादा मजेदार, मतलब पूरा सम आपको रिकैप करा देगा एक तरीके से। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ क्या है, इन एन एपी मतलब किसी एपी में ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 50, फाइंड एन एंड एस एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म बताइए कितना होगा और एस एन किसके बराबर होगा ये भी फाइंड करना है। ए दिया हुआ है 5 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा तो दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग ए एन बराबर पहले क्या लिख लेंगे, 50, और इसी की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है एन का, और ये 50, ए के जगह 5, एन नहीं पता है, माइनस 1, डी 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 50, प्लस में 5 है उधर जाएगा तो माइनस में 5, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, 15 × 3 = 45, देन एन बराबर 15 प्लस 1, एन किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आया। तो पहला तो निकल गया कि n निकालना था, n 16 निकल गया। उसके बाद sn चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, sn चाहिए। यहाँ भी दो फॉर्मूला लगा सकते हो, sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर sn बराबर n बाई 2 a प्लस l भी लगा सकते हो क्योंकि ये आपका लास्ट टर्म ही है। n 16 आया तो n अगर 16 लोगे ये आपका लास्ट टर्म ही होगा। आप जो फॉर्मूला लगाना चाहते हो उस फॉर्मूला से लगाओ, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो sn बराबर आप फॉर्मूला लगा लोगे यहां से n बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है। एन किसके बराबर आया, 16 बाई 2, ए किसके बराबर है 5, आप प्लस एन एल के जगह 50, ये 8 बार में कट जाएगा और ये 55 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 11 × 44 440 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना ठीक से, बस हो गया। देख लो अच्छे से आया कि नहीं आया, तो फॉर्मूला पुट करना था। 2 में फिर से इन एन एपी गिवन, क्या गिवन है, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, फाइंड डी एंड एस 13 किसके बराबर होगा। तो ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है, ए 13 किसके बराबर है, 35 के बराबर, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35, ए के जगह कितना 7 प्लस एन 13 माइनस 1, यहाँ जो ये आपका 13 लिखा हो ना वही आपका एन होगा क्योंकि टी एन ए एन तो नीचे वाला जो होता है वो एन होता है, हम लोग लिखते हैं ना ए एन बराबर, तो ये क्या होता है, एन होता है, जो भी नीचे लिखा हुआ वो एन है, ठीक है। तो 13 माइनस 1, और डी दिया हुआ है क्या, नहीं वो तो निकालना है सर, इसको लू 35, प्लस में 7 है उस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये 12D हो जाएगा, ये 28 और ये डी, ऐसे 4 के टेबल से काटोगे 7 और चढ़ती है 12, तो d बराबर हो जाएगा 7/3। देख लो अच्छे से, पहले क्या किए, n बराबर 35 लिखे, मतलब ए 13 दिया था ना 35 लिखे, a के जगह 7, प्लस में 7 उधर आएगा तो माइनस में 7, तो 28 हो जाएगा, 35 से 7 माइनस करोगे तो, और 12 माइनस 12 कैसे आया, तो 13 माइनस 1 किए तो, और डिवाइड कर लिए तो आंसर आ गया। फिर एस 13 चाहिए आपको, एस 13 चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला, दो फॉर्मूला फिर से वही लगा सकता हूँ, लास्ट टर्म फिर से पता है तो सीधे सीधे लास्ट टर्म हम लोग लगा सकते हैं। अगर आप पहला वाला भी फॉर्मूला लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा, और लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर सेम ही आएगा, n बाई 2 ए प्लस एल, एन किसके बराबर 13/2, ए किसके बराबर है 7 के बराबर, और लास्ट टर्म किसके बराबर था 35 के बराबर, ठीक है। ये 13/2 और इसको ऐड करोगे तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काट लोगे 26 हो जाएगा, 26 × 52 21 होगा सर, ठीक है, 2 से काटेगा 21 आएगा, 21 × 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 6 = 2 3 × 7 = 2 273, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई देख लीजिएगा बस, आंसर मिलाते जाओगे। नेक्स्ट इसी में थर्ड,
इसमें क्या दिया हुआ है, फिर से किसी एपी में मतलब इन एन एपी गिवन A12 बराबर 37 और D बराबर 3, A क्या होगा S12 क्या होगा, तो फिर से TN दिया हुआ है, A12 दे दिया किसके बराबर 37 के बराबर, इसका फॉर्मूला A+N-1 × D = 37, A किसके बराबर है नहीं पता, N12 के बराबर -1, D किसके बराबर 3 के बराबर 37, A ये माइनस करोगे 11 × 3 माइनस कर लीजिए सिर्फ 4 आ गया सर, ये किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया, ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, वैल्यू पुट करो आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत होने आनी है, ए बराबर कितना 4 आ गया, तो ए निकालना था ए निकल गया, फिर से एच 12 निकालना है, लास्ट टर्म फिर से पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और एन भी पता है, हमने तो झड़ी लगा दिया इसी फॉर्मूला का, N/2 A+L, एन किसके बराबर 12/2, ए किसके बराबर अभी भी फाइंड किए हैं 4, और लास्ट टर्म मतलब E12 किसके बराबर है 37 के बराबर है, तो ये 6 हो जाएगा काटने के बाद, 2 से काट लोगे तो 6 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 41, 246 मल्टीप्लाई कर लोगे 41 को 6 से, बस आंसर आ जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट देखो, 10 क्वेश्चन है बबुआ, 10 क्वेश्चन, A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 125, D निकालना है और E10 निकालना है, A3 और S10 दिया हुआ है, A3 किसके बराबर है 15 के बराबर, फॉर्मूला लगाओगे तो A+N-1, एन ही लिख लो, फॉर्मूला लिख ही लो, N-1 × D = 15, A+3-1 × D = 15, देन A+2D = 15, और इसको इक्वेशन ले लोगे फर्स्ट, TN का फॉर्मूला लगा है A+N-1 × D वाला, और जो वैल्यू पता था वो वैल्यू लिखे, एक इक्वेशन आ गया, S10 भी आपको दिया हुआ है 125, S10 किसके बराबर है 125 के बराबर है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा N/2 2A+N-1 × D = 125, N पता है क्या, या 10/2 2A+N-1 × D = 125, इसको 2 से काटोगे 5 बार में और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आएगा 2A+9D = 125/5, 25×5 = 125, तो 2A+9D किसके बराबर आ जाएगा 25 के बराबर, और ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड, ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, अभी इलिमिनेशन मेथड लगाओगे दोनों को सॉल्व कर लोगे, या तो A बराबर 15-2D लिख के इसमें पुट कर दीजिए तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो, या फिर इलिमिनेशन बनाओगे तो दोनों में किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2D है यहाँ पे 9D है, तो सेम बनाने के लिए या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, या तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे उससे अच्छा क्या है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही लगा देते हैं, A बराबर 15 माइनस 2D, ये वैल्यू बैठा लीजिए A के जगह पे, क्या वैल्यू क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड में पुट करोगे, तो 2 के जगह 2, A के जगह क्या लिखना है 15-2D + 9D = 25, ये 30-4D + 9D = 25, प्लस में 30 है उस तरफ जाएगा तो -30, और ये 5D आ जाएगा तो -5 = 5D, देन D बराबर 1, D किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, जैसे D फाइंड आउट हो जाएगा, A निकालने के लिए वैल्यू पुट करोगे A में, A बराबर हो जाएगा 15-2D, 1 के जगह A, 15 के जगह 15, 2 के जगह 2 और D के जगह -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15+2 = 17, A किसके बराबर आ गया 17 के बराबर, D निकालना था -1 आ चुका है, और E किसके बराबर आ गया 17 के बराबर आ गया, A10 किसके बराबर होगा A+10-1 × D, A के जगह 17+9 × -1,
आठ के बराबर, ए टेन किसके बराबर आ जाएगा, एट के बराबर आ जाएगा, तो चौथा भी हो गया, ठीक ठाक है। दस क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा ही। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में डी दिया हुआ है, गिवन में डी बराबर फाइव, एस एन मतलब एस नाइन दिया हुआ है 75, ए निकालना है और ए नाइन निकालना है किसके बराबर होगा, तो डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए निकालना है और ए नाइन निकालना है, तो एस नाइन किसके बराबर है 75 के बराबर। क्या इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, एन बाई टू कर्ली ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल टू 75। जिसका जिसका वैल्यू पता है वो पुट करो, तो 9 पता है एन की जगह बाई टू, ए निकालना है आपको तो 2a 9 माइनस वन और डी आपको 5 दिया हुआ है 75 का 75 कटना तो है नहीं बेचारा, तो 2a प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। सर क्यों कहें कैसे, ये देखो क्यों कहें कैसे, ये सो मल्टीप्लाई में था 9 बाई 2, इधर आएगा तो क्या होता डिवाइड होगा, तो डिवाइड मतलब जो नीचे वाला होगा ऊपर, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे, डिवाइड करोगे तीन के टेबल से 25 या 75 और तीतरी का 9 मतलब 50 बाई 3 और ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 40 45 होता है, देन 2a बराबर 50 बाई 3 माइनस 40। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 2a बराबर 3 50 माइनस 120 सतपंच 12 बाई 3 और ये 2 है, देन ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस 70 बाई 3 इंटू 2, दो से काटोगे तो 35 बाई 3 माइनस 35 बाई 3 आ जाएगा, तो ए जो निकालना था वो तो भैया निकल गया माइनस 35 बाई 3। ए जैसे निकला ए 9 निकालना है, ए 9 निकालना है तो ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए किसके बराबर है माइनस 35 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 इंटू डी, डी किसके बराबर है 5 के बराबर है, फिर से ये 40 हो जाएगा, फिर से नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम 3 ही होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में अगर देखोगे तो क्या दिया हुआ है, इन एन एपी मतलब किसी एपी में गिवन ए बराबर 2, बी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन क्या होगा ए एन क्या होगा, वाओ नाइस क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन बराबर 90 है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू कर्ली ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यहाँ 90 एन तो नहीं पता बाई टू टू ए, टू के जगह टू, ए के जगह भी टू, एन माइनस वन डी के जगह 8 और यहाँ 90, ये एन बाई टू हो जाएगा, ये 22 जा 4 प्लस 18 माइनस 8 इक्वल टू 90, ये n बाई 2 ये आ जाएगा 18 माइनस 4 इक्वल टू 90। चार कॉमन ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, फिर n बाई 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 ही बचेगा और n बचेगा इक्वल टू 90, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस में 90, इधर आएगा तो माइनस में 90 इक्वल टू 0, दोनों में दो दो कॉमन ले लीजिए, ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। दो दो क्या कर लिए कॉमन ले लिए, अब कॉमन लेने के बाद 0 में ये दो तो 0 हो जाएगा बेचारा, बचेगा क्या सिर्फ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90, फैक्टराइज करना है मिडटर्म फैक्टर पे, ठीक है फैक्टराइजेशन करना है आपको, 2 गुना 45 90, 90 को इस तरीके से थोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 1 मल्टीप्लाई करे तो 90 ही रहे, तो माइनस 10n प्लस 9n
माइनस 45 इक्वल टू जीरो, दोनों में 2n कॉमन तो n माइनस 5, और यहां से 9 कॉमन n माइनस 5, n माइनस 5 और यहां से 2n प्लस 9, n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर भी 0, देन n बराबर माइनस 9 बाई 2 और यहां से n बराबर 5 आ जाएगा। n किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा, बट n तो निकालना था, निकाल लिए, an भी निकालना था। क्या निकालना था हमको? an भी निकालना था, तो an के लिए क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ए किसके बराबर है सर? 2 के बराबर। n किसके बराबर आया? 5 माइनस 1, और d किसके बराबर था? 8 के बराबर, तो 2 प्लस 4 इंटू 8 अच्छा 32, अब 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34, an आ जाएगा। अगर an 34 में जाएगा, हाँ क्योंकि n तो फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे n n n कर लेना, ठीक है, बस ऐसे ऐसे एन 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 लिख लीजिए बस, ठीक है। बात सात, ये भी मजेदार, गिवन में दिया हुआ है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, n क्या होगा, d क्या होगा, बस इतना ही तो निकालना है, n क्या होगा और d क्या होगा। a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो a भी पता है ना, an भी पता है, वाओ नाइस, तुरंत निकल जाएगा। देखो कैसे, sn बराबर कितना दिया बबुआ? 210। sn का फॉर्मूला क्या हम लोग ऐसा जानते हैं? n बाई 2 a प्लस l। क्यों लगाए सर? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, क्योंकि इसका n और इसका n सेम है, sn का n और an दोनों में सेम है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो n बाई 2 की जगह n बाई 2, a की जगह कितना? 8 और an की जगह 62, 210। n बाई 2 इसको ऐड करोगे 70 और ये 210, देन n बाई 2 35 कर ही लो, ठीक है, देन n बराबर 210 डिवाइडेड बाई 35। ये 6 बार में कट रहा है क्या? 25 30, 3 6 3 18, 18 3 21, हाँ। n किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर आ रहा है। n फाइंड करना था, वो तो निकल गया, अब d फाइंड करना है, तो tn में पुट कीजिए, tn वाला पुट करोगे इजीली बन जाएगा। ये 62 दिया हुआ था, इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। a की जगह 8 प्लस n कितना है? a अभी भी निकाले, माइनस 1 d नहीं पता, 62, ये 5d आ जाएगा, प्लस में 8 है उस तरफ आएगा तो माइनस में, ये 5, 54 बाई 5। थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन होना चाहिए, ठीक है। d किसके बराबर आ गया? 54 होल डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ गया। नेक्स्ट इसी का अगर 8 नंबर देखा जाए तो वो भी काफी मजेदार होंगे, है कि नहीं है? ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, पूरा 10 में सबसे अच्छा है। an 4 दिया हुआ है, d 2 दिया हुआ है, sn माइनस 14 दिया हुआ है, n और a निकालना है, n और a निकालना है। a n किसके बराबर दिया हुआ है? 4 के बराबर। क्या हम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 टू d इक्वल टू 4। एक पता है क्या? नहीं, a प्लस n माइनस 1 d किसके बराबर है? 2 के बराबर, तो इक्वल टू 4। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। a बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 माइनस प्लस 2 और माइनस 2। देखो कैसे, एक जगह a लिखे, माइनस में 2 था उस तरफ गया तो प्लस में, और 2n प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, ये 4 2 6 माइनस 2n आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2n आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ वो sn दिया हुआ है, sn बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस 14। फॉर्मूला n बाई 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस 14। n तो नहीं पता, बाई 2, 2 के जगह 2, a के जगह यहां से वैल्यू लिख लोगे,
ये जो वैल्यू फाइंड किया 6 माइनस 2n, वो 6 माइनस 2n प्लस n नहीं पता है, -1 d2 है, d किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फिर से सॉल्व करो, n बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, -14 का -14, फिर से n बाई 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10 और ये -2n इक्वल टू -14। एन बाई 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 5n आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा तो -n2। इधर उधर करोगे तो n2 -5n -14 इक्वल टू 0, कि प्लस में था उधर गया तो माइनस में और ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, n2 -5n -14। तुम एक लाइन फिर से नहीं लिखोगे, आप मेरे पास जगह नहीं था तो सेम चीज़ को लिखे, आप इसी के नीचे कंटिन्यू कर दीजिएगा सेम, ठीक है। ये n2 -7n +2n, क्यों सर ऐसा क्यों लिखे, मिडिल टर्म फैक्टर पे फैक्टराइज कर रहे हैं, 14 को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि प्लस माइनस करें तो 5 और मल्टीप्लाई करें तो 14 ही रहे, तो 7 × 2 = 14 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 भी हो जाएगा, एन माइनस 7 प्लस 2 एन माइनस 7, एन माइनस 7 और n प्लस 2 0, n माइनस 7 इजकल टू 0 और n प्लस 2 इजकल टू 0, देन n इजकल टू -2 और n इजकल टू 7। तो 2 वाला तो नहीं, माइनस वाला तो नहीं होगा क्योंकि n कभी भी नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं होता है, तो n आपका सिर्फ 7 रहेगा, n तो 7 हो गया। a निकालना है तो बहुत इजी, क्योंकि a बराबर हम लोग निकाल चुके हैं 6 माइनस 2, 2 × 7 -8, ठीक है। एक इसके बराबर आ जाएगा -8 के बराबर आ जाएगा, बस हो गया, इजी है, बहुत इजी है यार, इजी कहेंगे क्या, बहुत इजी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 में ही 2 क्वेश्चन और है, 9 और 10, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गिवन में क्या दिया, a बराबर 3, n बराबर 8 और s s n भी होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, बुक में एस लिखा हुआ है, एसएन लिखा हुआ, सिर्फ एस लिखा हुआ है बुक में भी, मतलब एसएन होना चाहिए 192। डी किसके बराबर होगा, तो सब चीज़ तो पता है, ए और एन पता है, तो डी आराम से निकल जाएगा इसमें, बहुत आसान। एसएन किसके बराबर है, 192 के बराबर, एन बाई 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 2d इक्वल टू 192। एन नहीं पता है, पता है सर, 8/2, 2 के जगह 2, a के जगह 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, कि d नहीं पता है, इसको इसे काट लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 ये 6 7d 192। या तो 4 से डिवाइड डायरेक्ट कर लो या फिर दोनों में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आप जैसे सॉल्व करना चाहते हो, आपको जैसे इजी लग रहा है। 6 + 7d इजकल टू 192 डिवाइडेड बाई 4 का 16 और 8 × 32 तो 48 आ जाएगा, 70 इजकल टू 48 माइनस 6 42, डी बराबर, डी किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, ओह डी ही निकालना था, खत्म बन गया ये भी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये भी इजी होगा। 8 नंबर थोड़ा ठीक था, गिवन में दिया हुआ है एल मतलब लास्ट टर्म 28 है, एसएन आपका 144 है, एंड देर आर टोटल 9 टर्म, टोटल कितना टर्म दिया हुआ है, 9, मतलब n आपका 9 है। ए निकालना किसके बराबर होगा, ये भी बहुत ईजी, एस एन किसके बराबर है, तो 144, एस एन का फॉर्मूला n बाई 2, एस सिर्फ लिखा हुआ है ना और कुछ भी नीचे नहीं है तो n है, यहाँ s लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है तो n है, ठीक है। a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म पता है मुझे 144, n किसके बराबर, टोटल 9 टर्म दिया हुआ है, n का जगह 9/2, ये नहीं पता है बट लास्ट टर्म जरूर पता है 28 इक्वल टू 144, फिर से वही नहीं, ये मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a प्लस 28 इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 से काटोगे 16 × 9 = 144 और 16 × 2 = 32, देन a बराबर 32 माइनस 4 के बराबर, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में 28 था इधर आया तो
माइनस मैट, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म, थैंक यू सो मच, ठीक है। और फिर से वही बातें, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, अच्छा लगा, प्लीज़ उसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।